हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो हम जो वाटर कलर की पोर्ट्रेट बना रहे थे, आज उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो उस पोर्ट्रेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कुछ, क्योंकि वो खास पोर्ट्रेट है। एक अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है तो आप लोग पहचान गए होंगे उनको। तो वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो आप उनके बारे में गूगल कर सकते हैं। इन्होंने जो है आर्ट के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक गुफा है उसमें जो चित्र आदिमानव द्वारा जो पुराने चित्र बनाए हुए हैं गुफाओं में, उनकी इन्होंने खोज की थी। और बहुत सारे इन्होंने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये एक पुरातत्वविद हैं, इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये खास हो जाते हैं हमारे इस वीडियोस के लिए। अगर आप इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर से आप एक बार गूगल जरूर कीजिए और जानिए भारत के ऐतिहासिक और जो इतने बड़े चित्रकार हुए हैं उनके बारे में। तो इन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं सारी बातें आप गूगल करके देख सकते हैं एक बार। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फेस, जो हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं किस तरह से हमने पूरा फेस कंप्लीट किया है। तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियोस का, वहाँ जाके आप ज़रूर से देखिए। तो अब प्रोसेस करते हैं अगले स्टेप की। तो हम नीचे के इनके कपड़े बनाते हैं, तो यहाँ पर हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे वेट टू ऑन वेट। तो यहाँ पर हमने पेपर को गीला कर लिया है और उस पर हम कलर लगा रहे हैं। तो कलर अपने आप फैलता है जब, तो वो अपने आप ही एक नेचुरल लुक देता है। जब भी आप इस तरह से वाटर कलर करें तो वहाँ पे आप वेट ऑन वेट काम करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पेपर पे ज़्यादा अपना ब्रश ना घिसें, क्योंकि पेपर पे अगर आप ज़्यादा ब्रश को रफ करते हैं तो यहाँ पे आपके जो कलर है वो डिम पड़ जाते हैं और पेपर भी आपका ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप सिंपल सी फर्स्ट वॉश लगाएं, एक वॉश में कंप्लीट करें पोर्ट्रेट को। तो उससे क्या होता है, जो आपकी कलर की जो चमक है वो बनी रहती है, आपका कलर डिम नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप फर्स्ट वॉश में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो भी आपके डेप्थ वाले पार्ट हैं वहाँ पे आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं, और जो लाइट एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा हाईलाइटेड का। तो हाइलाइटेड एरियाज़ को आप वाइट छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड जो है ब्लर कर सकते हैं। तो ब्लरिंग के लिए आपको वेट ऑन वेट यहाँ पे बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप पूरी बैकग्राउंड को पानी से गीला कर लीजिए, उसके बाद उसमें कलर डालिए तो काफ़ी अच्छा एक ब्लर इफ़ेक्ट निकल के आता है, क्योंकि ब्लर इफ़ेक्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप बैकग्राउंड ब्लर करते हैं तो उससे जब आप पोर्ट्रेट में देखते हैं तो पोर्ट्रेट एकदम निकल के आता है बाहर को। तो इस तरह से आप पोर्ट्रेट कंप्लीट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको पोर्ट्रेट अच्छा लगा तो नीचे ज़रूर से लिखिए किस तरह से आपको पोर्ट्रेट लग रहा है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियोज़ और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर कर रहे हैं। इस पोर्ट्रेट का साइज A1 साइज है, तो काफ़ी बड़ा साइज है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पोर्ट्रेट बन के निकल के आया है। अगर आप पेपर पे ज़्यादा कलर यूज़ ना करें, मिक्स पेपर पे ही होने दें मिक्स कलर को, तो उसकी जो पेपर जो कलर की जो हाईलाइट है जो लाइट है उसमें वो बनी रहती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटेड एरियाज़ और हाईलाइट और यहाँ पर जो डार्क एरियाज़ हैं उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।